जन सामान्य को उनकी समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की व्यवस्था तोहफे के रूप में की जा रही है। शासन स्तर से इसका परीक्षण भी शुरू किया जा चुका है। पूर्व से संचालित IGRS को इससे जोड़ दिया जाएगा। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने संबंधित अधिकारियों को इसकी तैयारी करने का निर्देश भी दिया है। हेल्पलाइन जनवरी 2018 से शुरू हो जाएगी। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या शिकायत टोल फ्री नंबर 1076 पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। कॉल सेंटर के ऑपरेटर द्वारा इस शिकायतकर्ता के नंबर एवं समस्या को सीधे संबंधित अधिकारी तक निस्तारित करने के लिए SMS भेजा जाएगा। ये जानकारी 15 दिन के अंदर निस्तारित करनी होगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायत या समस्या को जिले के 37 विभाग, मंडल, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी निस्तारण हेतु भेजा जाएगा। वर्तमान में IGRS पोर्टल पर सीधे जिलाधिकारी पोर्टल पर शिकायत आती है, जिससे वे चंद जिला स्तरीय अधिकारियों को निस्तारण हेतु उसके पोर्टल पर ऑनलाइन भेजते हैं। वे संबंधित विभाग या अधिकारी को भेजते हैं। इसमें समय अधिक लग जाता है और शिकायतों का निस्तारण भी नहीं हो पाता। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि लेवल 1 के सभी अधिकारी जिन्हें नया लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, इन्हें इसके संचालन का शीघ्र ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके द्वारा निस्तारित शिकायतों की निस्तारण की गुणवत्ता का 100% सत्यापन भी करना होगा। उन्होंने लेवल 1 के नए जुड़ने वाले अधिकारियों का नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर को 3 में उपलब्ध कराने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है।